हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मछली के पकोड़े। मैं एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी कि आप इसे 5 मिनट में बना भी लोगे और चट भी कर जाओगे। ये विटामिन ई और ओमेगा 3 से भरपूर है, जो आपकी बोन्स और हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसका मीट बहुत हेल्दी और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसके लिए मैंने लिए है 6 फिश के बड़े स्लाइसेस, जिन पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लगा लिया। ये मैंने 2 चम्मच लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम अच्छी तरह से लगाकर मसाज करेंगे, ताकि ये फिश में अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए। अब इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन भी डाल दी है, और थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है। अब इन सब मसालों को फिश पर लगाकर मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। आप 2-3 घंटे के लिए रख दे तो बहुत ही अच्छा है, ताकि ये मैरिनेशन इसके अंदर तक चला जाएगा। मसाला लगाकर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैं एक अलग प्लेट में थोड़ा सा बेसन ले लूंगी, उसमें थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट डाल दूंगी स्वाद अनुसार आप लें, और इसको भी अच्छे से मैं मिला लूंगी। हमारे फ्रिज को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इस फिश के टुकड़ों को अपने बेसन पे इस तरीके से लपेट कर झाड़ कर एक दूसरी प्लेट पर रखते जाएंगे। इसी तरीके से हमें सारे टुकड़ों पर बेसन लगाना है। देखिए, मैंने सभी टुकड़ों पर बेसन लगा दिया है। अब एक गरम कढ़ाई में एक एक करके इन्हें डालूंगी। हम इन्हें धीरे से डालते जाएंगे और हिलाएंगे बिल्कुल नहीं, हिलाने से ये टूट सकती है। अब ये एक तरफ से हो जाए तब आप इसे पलट दें। ये हम एक एक करके करेंगे। मेरे गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। अब मैं इन्हें एक एक कर प्लेट पर निकाल लूंगी। ये आप धीरे से करें, वरना ये टूट भी सकते हैं। इनको हम सर्व करेंगे अनियन रिंग के साथ, लेमन के साथ और बहुत सारी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये ना सिर्फ इस फिश का स्वाद बढ़ाएगी, बल्कि इसको डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करेगी। नोटिफिकेशन बेल तो बजा ही दिया होगा ना आपने, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।